उत्तर प्रदेश उपनिर्वाचन में साइकिल पंक्चर, दुई समाजवादी गड़े फुटिला पद्म। पंजाब रे आप को सख्त धक्का, त्रिपुरा रे बीजेपी सफलता जारी। उपनिर्वाचन चार विधानसभा तीन रे विजय, लोकसभा निर्वाचन पाखे आसुवा बेले विवाद भी बढ़ु, तारी भितर जनमत भी सामना को आसुची। विधानसभा निर्वाचन रे बड़ सफलता पर उत्तर प्रदेश उपनिर्वाचन दुई लोकसभा आसन रे भी कमाल करी कमल। समाजवादी पार्टी गड़ आजमगढ़ दखल करी बीजेपी। यादव परिवार आसन रे विजय लाभ करिसंती बीजेपी रो दिनेश लाल यादव। 2019 आसन रु विजय लाभ करते समाजवादी पार्टी मुख्य अखिलेश यादव, ता पूर्व यह आसन था मुलायम सिंह यादव घर। से हीपरी रामपुर में फुटी पद्म, बीजेपी प्रार्थी घनश्याम सिंह लोधी समाजवादी पार्टी प्रार्थी मोहम्मद असीम राजा को परास्त करी। रामपुर आसन में 2019 विजय लाभ करते सपा हेवीवेट आजम खान। यह विजय पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखिंट, केन्द्र और उत्तर प्रदेश में डबल इंजिन सरकार को लोकों ग्रहणीयतार यह निदर्शन। से भी बड़ विजय पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते, आगामी लोकसभा निर्वाचन में 80 रु 80 आड़क अग्रसर होजेपी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटों में से 80 से 80 सीटों की ओर विजय श्री की ओर अग्रसर हो रही है। सबड़े पंजाब रे शासक आपको सख्त धक्का, संगरूर लोकसभा आसन आप हाथ खसुची। यह आसन विजय लाभ कर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर सिमरजीत सिंह मा। यह आसन पंजाब मुख्यमंत्री भगवत मान 2014 एवं 2019 विजय लाभ करते। मुख्यमंत्री आसन में भी झाड़ू फेल मानला। सेपटे त्रिपुरा विधानसभा उपनिर्वाचन में सफलता को कायम रखी शासक बीजेपी, चार विधानसभा आसन तीन आसन में विजय लाभ कर भारतीय जनता पार्टी। टाउन बोर्दावली मुख्यमंत्री माणिक शाह विजय लाभ कर। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।